हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये कल शाम का है, हम लोग आरती में गए थे। ये मोहल्ला का ही मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है। तो हम लोग शाम में यहाँ पर आरती के लिए आए हुए थे। तो आप लोग भी माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। और ये फिर अगले दिन सुबह का है, तीसरा दिन नवरात्रा का तीसरा दिन का है। तो मैंने यहाँ सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। मतलब पूरा काम नहीं हुआ था, पर पूजा में लेट हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपसे पहले मैंने पूजा कर लिया। मतलब खाना पीना बन चुका है और ये खाना खा रहे थे। और बर्तन वर्तन मैंने सारा छोड़ दिया है, बाकी सारा काम हो गया है। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है। तो मैंने पूजा वूजा करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट मैंने किया। उसके बाद मैंने कहा था ना, मेरा बर्तन सब पड़ा हुआ है, तो मैं बर्तन धो रही हूँ यहाँ पर सारा। मतलब स्लैब व्लैब भी मैंने नहीं पोछा था, मैंने सोचा कि पहले पूजा कर लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि सुबह बहुत हड़बड़ हो जाता है, ड्यूटी ऑफिस स्कूल सब रहता है। अब पूजा भी है तो अभी थोड़ा काम बढ़ा हुआ रहता है, नवरात्रा का समय है, तो इसीलिए मैंने सुबह से ये वीडियो नहीं चालू किया। जो कल मैंने शाम का बनाया था, उसके बाद मैंने फिर बच्चे लोग स्कूल चल गए, फिर खाना वाना सब बन गया, उसके बाद मैंने ये वीडियो फिर शूट किया मैंने। तो ये दोपहर के लगभग 12:15 हो रहे थे। फिर अब सृष्टि को भी लाने का टाइम हो रहा है, तो मैं फिर बर्तन तल धो के जल्दी से फिर उसे लाने जाऊँगी। अभी समय कैसे पार हो रहा पता नहीं चल रहा है, नवरात्रा का समय, पर अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। ये 9 दिन भी कैसे पार हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। घर में एक अलग सा रौनक लगा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी किसी का फ़ोन आ गया था, तो मैं वही फ़ोन पे बात कर रही हूँ। तो अभी मुझे स्लैब व्लैब भी साफ़ करना है, मैंने कहा था ना स्लैब व्लैब मैंने कुछ नहीं पूछा था। अभी कुछ आवाज़ आई होगी, क्योंकि अभी तुरंत सिलेंडर वाला गाड़ी गया था। जिस समय एडिट करो उसी समय ये गाड़ी वगैरह सब आने लगता है मुझे, और रात में मुझे मौका नहीं मिलता है, मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ, इसलिए मैं रात में नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे 10 बजे तक सोना है। सोना शायद किसी दिन ही 10:30 होता है, पर मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ, इसलिए मैं दिन में ही करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं स्लैब व्लैब सब मुझे पूछना था, तो वही सब मैं साफ़ कर रही हूँ और फ़ोन में भी लगी हूँ, क्योंकि फिर स्कूल में लाने का टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैं बात करते करते अपना काम भी कर रही हूँ। तो आज वैसा वीडियो में कुछ खास नहीं है, जो था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो आज मैंने सर धोया था, तो बाल मेरा सूखा नहीं था, तो अभी सूख गया है। तो मैं अब मुझे निकलने का भी समय हो गया है सृष्टि को लाने का, तो मैं वही बाल झाड़ रही हूँ। तो मैं बेड पर ऐसी तरह बैठ जाती हूँ ताकि बाल इधर उधर ना हो, तो मैं बेड पर ही बाल ऐसे कर लेती हूँ और फिर समेट के उसे फेंक देती हूँ, क्योंकि खड़ा होकर झाड़ने का ज़मीन पर पूरा बाल फैल जाता है। और अभी बाल वो इतना झाड़ते हैं कि बाप रे, समझ में नहीं आता, लगता सारा बाल निकल जाएगा। तो मैं इसी तरह बेड पर बैठ के मैं बाल झाड़ती हूँ ताकि बाल उधर उधर फैले नहीं, तो एक जगह इकट्ठा रहता है, तो मैं समेट लेती हूँ।
तो बच्चे सब स्कूल से आ गए तो मैं उन लोग का खाना निकाल रही हूँ। तो आज के वीडियो में कुछ खास नहीं था, इतना ही था। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता दी, बाय बाय।